दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आप बच्चों को समझाने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले आपने क्लासिकल मॉडल में जो रिकार्डो की जो थ्योरी थी, जिसको हम कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो आपने पढ़ी होगी। उसके अंदर बेसिकली ये बताया गया था कि दो देशों में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसकी वजह कॉस्ट डिफरेंस है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दो देशों में गुड्स को प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दो देशों में कॉस्ट इक्वल है, यानी कि इक्वल कॉस्ट डिफरेंस है, तो वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड करना किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन वो ये बताने में असफल रहे कि आखिरकार ये जो कॉस्ट डिफरेंस होता है वो क्यों होता है। यानी कि मान लीजिए भारत में गेहूं बना रहा है भारत और अमेरिका एरोप्लेन बना रहा है, तो दोनों में अब ऐसा नहीं है इंडिया एरोप्लेन नहीं बना सकता, इंडिया भी एरोप्लेन बना सकता है, लेकिन इंडिया में एरोप्लेन बनाना महंगा पड़ेगा और अमेरिका में एरोप्लेन बनाना सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए इंडिया और अमेरिका आपस में ट्रेड पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार कॉस्ट डिफरेंस क्यों होता है। तो ये जो थ्योरी है इसको इंटरनेशनल ट्रेड की जनरल थ्योरी भी बोलते हैं। ये हमें बताने का प्रयास करती है कि आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड में जो कॉस्ट डिफरेंस होता है वो क्यों अराइज होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक तरीके से ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इस थ्योरी को जो डेवलप करने का काम किया था वो हिक्सर और वोलन ने किया था। हिक्सर ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम 1990 में। इसके अलावा ओलिन ने एक बुक लिखी थी इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड 1933 में, और उन दोनों के माध्यम से इस पूरी की पूरी थ्योरी को डेवलप किया, जिसको कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर अमेंडमेंट थ्योरी और द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो बच्चों, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड पर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, और ये चाहे आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, और तमाम कोर्सेज के लिए आपके लिए अगर आपके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है तो हमारे पास आप बच्चों के लिए वीडियो कोर्स है, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे फुल कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। तो बच्चों, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन, ये चलिए हमने ये तो आपको बता दिया, ये आप याद रखिएगा कि दिस थ्योरी वाज आल्सो कॉल्ड फैक्टर अमेंडमेंट थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस थ्योरी का नाम है बच्चों, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और बेसिकली दिस थ्योरी से दैट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज फैक्टर अमेंडमेंट। ये है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह, यानी कि जो कॉस्ट डिफरेंस होता है वो फैक्टर अमेंडमेंट की वजह से होता है। तो बच्चों, हम आपको यहाँ पे बताएंगे फैक्टर अमेंडमेंट क्या है, और हम ये बताएंगे कि फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे किस तरीके से जनरल इक्विलिब्रियम होता है। थ्योरी को डेवलप करें उससे पहले कुछ अजम्पशन है, वो आप एक बार देख लीजिए। हम इस थ्योरी में ये मान के चलेंगे कि दो कंट्री है, आप नेशन वन और टू मान लीजिएगा, इंडिया नेपाल मान लीजिएगा, इंडिया अमेरिका मान लीजिएगा, जो मर्जी मान लीजिए। टू कमोडिटी पैदा हो रही है एक्स और वाई, इसके अलावा टू फैक्टर है लेबर और कैपिटल, यही प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये पूरी तरीके से 2x2x2 मॉडल पर बेस्ड है, जिसकी वजह से इसको जनरल मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। कंट्रीज डिफरेंट इन फैक्टर अमेंडमेंट, यानी कि किसी देश में लेबर ज्यादा है, किसी के देश में कैपिटल ज्यादा है। हम ये मान लेते हैं कि जो नेशन वन है वहां पर लेबर ज्यादा है, लेबर अमेंडमेंट है, और नेशन टू जो है वो कैपिटल अमेंडमेंट है, हम ये मान के चल रहे हैं। यानी कि हर कंट्री में अलग अलग फैक्टर अमेंडमेंट दिए हुए हैं, किसी देश में कोई चीज ज्यादा है, किसी चीज में कोई ज्यादा है, तो एडोमेंट है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। कमोडिटी आर कैटेगराइज इन टर्म फैक्टर ऑफ इंसिटी, यानी कि जो कमोडिटी है वो एक्स लेबर इंटेंसिव है, हम ये मान के चल रहे हैं, वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव है और जो वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव है, हम इस तरीके से कैटेगराइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्री यूज द सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कंट्री हैव आइडेंटिकल डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड सेम है दोनों कंट्री में,
टेक्नोलॉजी सेम है, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट, इसका मतलब प्राइस भी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ऐसा हम ये मान के चल रहे हैं। कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ नेशन, देयर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन बोथ नेशन, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ही देश केवल एक वस्तु को बनाए, दोनों ही देश दोनों वस्तुओं को बनाएंगे, इसका मतलब एक तरीके से जो आप एक तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रेड ऑफ होगा उसके लिए आप इस तरीके का डायग्राम जिसको कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डायग्राम बोलते हो उसका आप यूज करोगे। बोथ कमोडिटी आर प्रोड्यूस अंडर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इन बोथ नेशन, यानी कि अगर आप फैक्टर को डबल कर दोगे तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली इंप्लॉयड। तो बच्चों इन अजम्पशंस के बाद अब हमारे लिए अपनी थ्योरी को डेवलप करना बहुत आसान होगा, मैं बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि इस थ्योरी के इस वीडियो के अलावा और भी वीडियो हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो हम आगे फर्दर आपको एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों यहां पे आपको फैक्टर इंटेंसिटी के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि दो देश हैं, नेशन वन नेशन टू, नेशन वन अगर वाई गुड्स बनाता है तो उसे दो लेबर और दो कैपिटल की जरूरत है, यानी कि इसका जो कैपिटल लेबर रेशो आएगा वो वन आएगा, के अपॉन एल निकालेंगे तो वन आएगा। इसी तरीके से अगर वो एक्स गुड्स बनाना चाहता है तो उसको वन कैपिटल और फोर लेबर की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब इस केस में जो कैपिटल लेबर रेशो आएगा वन अपॉन फोर आएगा। लेकिन इसके बेस पर हम फैसला नहीं कर सकते, कभी भी फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे देश में लेबर बनाना लेबर मतलब एक तरीके से वाई गुड्स बनाने में और एक्स गुड्स बनाने में कैपिटल लेबर रेशो किसका ज्यादा अच्छा है। तो देखिए यहां पे एक लेबर और चार कैपिटल है, इसका मतलब यह हुआ कि वाई गुड्स बनाने में यहां पर कैपिटल लेबर रेशो फोर आएगा, और यहां पर टू लेबर टू कैपिटल में कैपिटल लेबर रेशो वन आएगा। तो आप देखिए यहां पे हम कंपैरिजन करते हैं कि के अपॉन एल जिसका ज्यादा होगा वो यूज करेगा कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का, इसका मतलब जिसका कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा होगा वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। तो यहां पे आप देखिए वाई गुड्स बनाने में कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा है, इसका मतलब जो नेशन वन नेशन जो है नेशन टू जो है विल प्रोड्यूस वाई गुड्स, यानी कि जिसका कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा होगा कंपैरिजन करने पर वाई गुड्स बनाने पर इसका फोर है इसका वन है तो ये कैपिटल लेबर रेशो यूज करेगा, और जिसका कैपिटल लेबर रेशो कम होगा वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, यानी कि नेशन टू जो है नेशन वन जो है अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होता है तो विल प्रोड्यूस एक्स गुड्स, यानी कि कोई भी नेशन कौन सी गुड्स बनाएगा ये डिपेंड करता है उसकी फैक्टर इंटेंसिटी के पर, जिस इंटेंसिटी मतलब उसकी सघनता कितने पास उसके पास लेबर कैपिटल कितना उसका यूज होने का प्रपोर्शन है। तो जिस चीज में आपका कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा होगा वो वाई गुड्स बनाएगा जिस इस एग्जाम्पल के थ्रू, और जिसमें कैपिटल लेबर रेशो कम होगा वो एक्स गुड्स बनाएगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, अगर आप चाहें तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, मैं यहां पे आपको डायग्राम बना देता हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेशन वन का है, नेशन वन में वाई गुड्स बनाने में लग रहा है दो लेबर और दो कैपिटल, ये वाई गुड्स बनाने का है, जबकि इसमें लग रहा है वन लेबर फोर कैपिटल, मैं ये वन नेशन वन का है, मैं ऐसे करके लिख देता हूं नेशन वन। नेशन टू में लग रहा है वन लेबर फोर कैपिटल, यानी कि वन लेबर और फोर कैपिटल, ये यहां पे पॉइंट आएगा, तो ये वाई गुड्स बनाने का है नेशन टू में। तो डेफिनेटली यहां पे आपको पता रहा है, दिख रहा है डायग्राम में कि जो कैपिटल लेबर रेशो है वो इस तरीके का है कि जो कंट्री बी है कंट्री टू है वो वाई गुड्स बनाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखनी चाहिए। इसके अलावा कोई देश कितना ज़्यादा इंटेंसिव है किसी उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, दो उसके क्राइटेरिया हैं जिससे डिसाइड होता है कि कोई देश लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, वो है फिस्कल क्राइटेरिया है, दूसरा है प्राइस क्राइटेरिया। फिस्कल क्राइटेरिया के तहत एक देश लेबर अमेंडमेंट तब माना कैपिटल अमेंडमेंट तब माना जाएगा
जब उसका कैपिटल लेबर रेशियो फिजिकल क्वांटिटी में किसी दूसरे देश से ज्यादा हो, यानी कि कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो जो है एक कंट्री का वो ज्यादा है कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो ऑफ बी कंट्री की, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हमने आपको यहां पे बताया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया अ कंट्री सेट टू बी रिलेटिवली कैपिटल एबंडेंट एबंडेंट इफ विद हायर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो देन दी अदर कंट्री। और अगर हम बात करें बच्चों कि एक देश को कब माना जाएगा कैपिटल एबंडेंट, खासतौर पर प्राइस क्राइटेरिया के थ्रू, जब उसका कैपिटल अपॉन लेबर का जो रेशियो है प्राइस के टर्म में वो कम होगा प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि या तो वहां पर कैपिटल लेबर रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे देश के, या कैपिटल लेबर रेशियो का जो प्राइस है यानी कि कैपिटल सस्ती मिल रही है दूसरे देश के मुकाबले, इन्हीं दो क्राइटेरिया के बेस पर किसी देश को लेबर एबंडेंट कैपिटल एबंडेंट या लेबर एबंडेंट माना जाएगा। तो बच्चों इसके लिए हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे। तो बेसिकली जो थ्योरी है वो ये बताती है कि जो कैपिटल एबंडेंट कंट्री होगी विल एक्सपोर्ट दी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स व्हाइल दी लेबर एबंडेंट कंट्री विल एक्सपोर्ट दी लेबर इंटेंसिव गुड, यानी कि जो कंट्री में जिस कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा होगा वो ऐसे गुड्स बनाएगी जहां पर कैपिटल का यूज ज्यादा हो रहा हो, और जिस देश में आप कह सकते हो एक तरीके से लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। तो बच्चों अभी हम यह मान के चल रहे हैं नंबर वन कि दो नेशन है, नेशन वन और नेशन टू। मैं यहां पे बता देता हूं नेशन वन और नेशन टू। तो नेशन वन जो है वो एक्स गुड्स का प्रोडक्शन करेगी क्योंकि एक्स गुड्स जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, और बी जो है वो वाई गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो पहले हम बात करते हैं उस कंडीशन में जब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों देश दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों डायग्राम को, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये नेशन वन का है और ये नेशन टू का है, पहले हम इसे समझ लेते हैं फिर हम एक साथ डायग्राम बना देंगे। नेशन वन जो है वो एक्स गुड्स ज्यादा बना सकता है कंपेरेटिवली वाई के, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, और ये जो है ये वाई गुड्स ज्यादा बना सकता है कंपेरेटिवली एक्स के, इसको नाम दे देते हैं हम सी डी। अब इस केस में क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है इसका मतलब अपने देश में ही वो प्रोडक्शन करेंगे, अपने देश में ही वो कंजम्पशन करेंगे, तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि जो हमारा एम आर टी है यानी कि जो स्लोप है इसका वो बराबर हो पी एक्स अपॉन पी वाई के। इसका मतलब हम क्या करते हैं स्लोप यहां पे डाल देते हैं, इसका मतलब इस जगह इंटरसेक्शन हो रहा है इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसी तरीके से यहां पे एक स्लोप डाल देते हैं और इसको नाम दे देते हैं वाई। नाम में क्या रखा है बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में प्रोडक्शन भी होगा और कंजम्पशन भी होगा, और कंजम्पशन तब होता है जब जो हमारा एम आर एस है यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल हो पी एक्स अपॉन वी वाई के। तो इसके लिए हम एक इंडिफरेंस कर्व ऐड कर देते हैं, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया, इसको हम ना बोल देते हैं आई सी। इसका मतलब एक देश एक्स जीरो का प्रोडक्शन कर रहा है अपने देश में और एक्स जीरो कंजम्पशन कर रहा है, जबकि वाई जीरो का प्रोडक्शन कर रहा है और वाई जीरो को कंज्यूम कर रहा है। इसी तरीके से इस केस में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है एम आर टी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, तो इसका मतलब इतना प्रोडक्शन कर रहा है वो एक्स जीरो का और इतना वो कंजम्पशन कर रहा है प्रोडक्शन कर रहा है वाई जीरो का, और क्योंकि इस केस में भी इंडिफरेंस कर्व यहीं टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही बराबर बराबर है, किसी भी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड इस कंडीशन में नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड तब होगा जब दो देशों में आप एक तरीके से कह सकते हो समान इंडिफरेंस कर्व के थ्रू होगा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इसको हम थोड़ा इधर कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे आपको बना देते हैं डायग्राम, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आप बच्चों को। देखिए ये जो है ये वन
ये नेशन वन का है जो कि वाई गुड्स बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है, और इसको हम नाम दे देते हैं सीडी। जबकि कंट्री टू जो है, नेशन टू जो है, वो इसको बनाने में ज्यादा सफिशिएंट है, इसको नाम हम दे देते हैं एबी। अब इस केस में मान लीजिए कि हमारा जो प्राइड लाइन है वो इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करती है, पी एक्स अपॉन पी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन होगा वो ये होगा, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और इसको नाम दे देते हैं वाई। इतना प्रोडक्शन होगा कंट्री ए में। मैं अगर इसको डॉटेड लाइन से बना दूं तो ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्शन है, यानी कि एक्स जीरो का प्रोडक्शन हो रहा है और यहां पे हमारा वाई जीरो का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो रहा है इस कंट्री में भी और इसमें भी। और इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये हमारा प्रोडक्शन है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, तो मैं इसको एक्स जीरो ए बोल देता हूं या टू बोल देता हूं, क्योंकि ये दूसरे नेशन टू बना रहा है, और इसको मैं एक्स वन बोल देता हूं और इसको वाई वन बोल देता हूं। तो बच्चों इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नेशन टू जो है एक्स का इतना प्रोडक्शन कर रहा है और नेशन वन इतना प्रोडक्शन कर रहा है एक्स का। अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो ऊंचा होगा, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो इसको यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका। इसका मतलब समझो बच्चों, ध्यान से समझना है यहां पे मतलब। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम जेड बोल देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल इतना ही कंजम्पशन करेंगे, इतना कंजम्पशन करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक ये वाला हिस्सा, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया ऑफ एक्स, और यहां से लेके क्योंकि हम वाई पहले हम इतना प्रोडक्शन अपने पास कर रहे हैं लेकिन हम कंज्यूम इतना कर रहे हैं, तो यहां से लेके ये वाला हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा और इधर कर देता हूं आप बच्चों के लिए। देखिए अगर हम इसको नाम दे दें, इसको H बोल देते हैं, इसका मतलब हमने क्या किया, नेशन टू जो है, नेशन टू जो है वो एच वाई क्या कर रहा है, एक्स गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है ऑफ एक्स, और जेड एच इंपोर्ट कर रहा है वाई का। इसी तरीके से अगर हम इसकी तरफ चले जाएं, इस पे आ जाएं, तो इतना वो प्रोडक्शन कर रहा है और ये वो कंज्यूम कर रहा है, इसको एन बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस वाली जो जगह है एक्स एन, एक्स एन, इसका वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज जो है उसने वाई गुड्स है इसका वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि एनएच का वो इंपोर्ट कर रहा है। तो बच्चों समझने वाली बात ये है कि इस तरह से दोनों ही देश इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, और जो पुराना कर्व है उससे ऊपर आ गए। तो बच्चों ये है पूरी की पूरी थ्योरी। अब हेक्सर रोलर ने यह भी बताया कि आखिरकार यह ट्रेड कब खत्म होगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर हम नेशन वन की बात करें तो नेशन वन जो है वो वाई का एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे करके उसके यहां वाई जो है वो महंगी होगी, वाई महंगी होने की वजह से जो कैपिटल है वो भी महंगा होगा, और जो नेशन टू है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक्स गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे एक्सपोर्ट महंगा होगा, यानी कि एक्स गुड्स महंगी होगी, और
ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों ही देशों में फैक्टर प्राइस बराबर नहीं हो जाती। बच्चों उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दो देश इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।